यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूँ अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड लाइव। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त अलीगढ़ से, जहां पर आरक्षण के विरोध में भारत बंद आज है और साथ ही यूपी के चार जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई हैं, जिसमें अलीगढ़ भी एक है। और साथ ही यहां पर आपको बता दें कि कई जगह उत्तर प्रदेश में धारा 144 भी लागू कर दी गई है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त। आपको बता दें कि आज भारत बंद के चलते उत्तर प्रदेश में कई जगह धारा 144 लागू कर दी गई है, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के चार जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि धारा 144 भी लागू की गई है कई जगहों पर, और साथ ही यहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। 2 अप्रैल को जब SC ST समुदाय की तरफ से जिस तरह से भारत बंद किया गया, हिंसा जमकर हुई, उसी से अब सबक लेते हुए पहले से व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त की जा रही हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। और इसी बीच हमारे संवाददाता सचिन शर्मा मुजफ्फरनगर से फोन लाइन पर है। सचिन, मुजफ्फरनगर में किस तरह से भारत बंद का आज असर देखने को मिल रहा है? देखिए अंतिका, आपको बता दें कि लगातार मुजफ्फरनगर में, जैसे कि सांप्रदायिक एरिया है, यहाँ पर 2 अप्रैल को जैसे मतलब आंदोलन के दौरान जो है यहाँ पर जो है उपद्रव में तब्दील हो गया था, ऐसे ही जनरल और ओबीसी के द्वारा कई व्हाट्सएप ग्रुपों में जो है मैसेज वायरल किए जा रहे थे कि 10 अप्रैल को भारत का, इसी के चलते जो है प्रशासन ने जो है काफी मुस्तैदी दिखाते हुए जो है यहाँ पर धारा 144 तो लागू पहले से हो ही रखी है 2 अप्रैल से ही जी, और इसी के चलते जो है चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है, जिससे कि कोई यहाँ पर अब की बार ऐसा उपद्रव ना हो। इसी के चलते जो है DM ने और SSP प्रसाद लगी हुई है जी। मतलब हर व्यक्ति पर यहाँ पर जो है संगीन जो चेकिंग की जा रही है, कहीं कोई उपद्रवी व्यक्ति जो है यहाँ पर जिले के अंदर एंट्री ना कर सके। सचिन, किस तरह से यहाँ पर सब तरफ से नजर रखी जा रही है, पुलिस बल जो है वो किस तरह से यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात किया गया है, क्या कुछ जरूरी कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं ताकि कानून व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ ना हो? जी हाँ, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर जो है जितने भी चेक पोस्ट है सब पे CCTV कैमरों के हिसाब से जो है निगरानी की जा रही है, जो है इंटरनेट सेवाएं पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। रात 12 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवाएं पूर्ण रूप से बंद रहेगी, जिससे कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे, सोशल मीडिया पे कोई भी इस तरह का उत्तर वायरल जो है मैसेज ना कर सके, जिससे कि कोई मतलब आम जनता को जो है परेशानी हो। और यहाँ तक कि देखा भी गया था कि में अब भी एक ऐसा डर है कि कहीं 2 अप्रैल की भांति कहीं अब कुछ ऐसी घटना ना हो, जिसके चलते अभी भी दुकान जो है आज भी कहीं ना कहीं ये कहीं कुछ ऐसा के चलते दुकान अभी कुछ दुकानें बंद है। चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन शर्मा तमाम जानकारी के लिए। तो मुजफ्फरनगर में धारा 144 2 अप्रैल से ही लागू है, और इसके अलावा भी एहतियातन पुलिस बल जो है वो तैनात है और चेकिंग जो है वो सही तरीके से की जा रही है, ताकि किसी तरह की भी कोई अप्रिय घटना ना घटे और कानून व्यवस्था जो है उससे छेड़छाड़ ना हो। अखिलेश सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, लखनऊ में आज भारत बंद का असर कैसा देखने को मिल रहा है? अवंतिका, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षण के खिलाफ जो भारत बंद का आह्वान जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया, जिन संगठनों के द्वारा किया गया था, उन संगठनों को अलर्ट को देखते हुए लखनऊ के अंदर भारत बंद का अभी कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी तरह से लखनऊ की दुकानें उसी तरह से बंद है, आम लोग उसी तरह से आवाजाही कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का भारत बंद का असर अभी इस तरह नहीं देखने को मिल रहा है कि कोई भी संगठन भारत बंद के आह्वान को लेकर सड़क पर लखनऊ में नहीं उतरा है। दुकानें उसी तरह से अभी तक बंद है, प्रतिष्ठान अभी उसी तरह से बंद है जैसे रोज की तरह सुबह में बंद रहते हैं। लखनऊ की थोड़ी सुबह की शुरुआत थोड़ी देर से हुआ करती है, इसलिए यहाँ पर अभी जो प्रतिष्ठान है, दुकानें हैं, बाजार है, वो रोजमर्रा जिस तरह से बंद रहते हैं उसी प्रकार बंद है। तो अभी जो जिन संगठनों भारत बंद का आह्वान किया है उसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से अलर्ट घोषित कर रखा है, और 14 तारीख तक पहले से ही अलर्ट उत्तर प्रदेश में रखा गया है, धारा 144 को लगा के रखा गया है, सुरक्षा व्यवस्था को पहले से ही चाकचौबंद किया गया है, सुरक्षा कर्मियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है कि किसी प्रकार को दलित आंदोलन में जिस प्रकार की घटनाएं सामने आई थी उस तरह की कोई भी घटना आज फिर भारत बंद में देखने को ना मिले, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सतर्कता को बरत रही है कि दलित आंदोलन के दौरान जब भारत बंद का आह्वान किया गया था तो उस
तमाम तरह के दंगे और आगजनी जैसी घटनाएं सामने आई थी और कई लोगों की मौत भी हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि फिर से किसी तरह की स्थिति हो और इस भारत आंदोलन में उत्तर प्रदेश सरकार फिर एक बार कटघरे में खड़ी हो। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुरक्षा कर्मियों को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। सभी तरह सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी तैनात है। भारत बंद का असर जो है वो लखनऊ में देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ में भारत बंद का असर देखने को नहीं मिल रहा है। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम फोन लाइन पर है। जितेंद्र, गाजियाबाद में क्या रोज की तरह आज जो है सामान्य दिन है या फिर भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है गाजियाबाद में? जी देखिए, अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो तमाम एजेंसियां, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सबको अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं सोशल साइटों पर भी लगातार निगरानी की जा रही है कि कोई किसी तरह का भड़काऊ कमेंट तो नहीं कर रहा है। और जिस तरह से जिस तरह से कल की जो 2 तारीख की जो घटना हुई थी, उसके बाद से जो आज जो है 10 तारीख का जो जिस तरह से नेट पर बोला गया था, तो लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां वो लगातार अपने नजर बनाए हुए हैं। और आज जो है सब कल की तरह अपनी एक हिसाब से जो है रूटीन चल रहा है। जी जितेंद्र, क्या सुरक्षा कर्मियों की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है गाजियाबाद में आज के भारत बंद के ऐलान के चलते? जी हाँ, सुरक्षा कर्मियों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। और इसके अलावा सादे कपड़ों में भी जो है पुलिस कर्मी जो है लगातार निगरानी बनाए हुए हैं कि कोई किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो जाए। जी, क्या इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद की जा रही है गाजियाबाद में या फिर सभी जो सेवाएं हैं वो सामान्य रूप से चलती रहेंगी? जी, गाजियाबाद की अगर बात करें तो देहात इलाकों में कुछ जगह पर हैं, जो मेरठ और हापुड़ के पास जो मिलते हुए गांव हैं वहां पर जो है इंटरनेट की सेवाएं बंद की गई हैं। बाकी अगर हम बात करें गाजियाबाद शहर की, वहां पर फिलहाल सब पहले की तरह ही आराम से चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र गौतम तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि भारत बंद का ऐलान आज किया गया था और साथ ही आरक्षण का विरोध जो है अब यहां पर इस भारत बंद के चलते किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी तक भारत बंद का जो है खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि मुजफ्फरनगर में जरूर जो है ज्यादा चाक चौबंद जो है व्यवस्थाएं की गई हैं कानून व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक दंगों का गढ़ जो है वो बन चुका है। तो ऐसे में वहां पर पहले से ही एहतियात जो है काफी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अभी तक सामान्य रूप से जो है आज दिन जो है वो चल रहा है। ऐसे में भारत बंद का असर जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है।